सर so, जैसे मैंने आपको बताया मेन्यूज के बारे में अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है कि आप मेन्यूज़ को एडिट कैसे कर सकते हैं बट दैट इज़ एग्जैक्टली वट विल बी टीचिंग यू राइट नाउ और नए मेन्यूज़ को ऐड करना वो भी हम आपको सिखाएंगे लेकिन साथ ही साथ देखते हैं कि मेन्यूज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी वाई मेन्यूज़ सो इम्पॉर्टेंट सो जब इंटरनेट बना आज से काफ़ी साल पहले तब वेबसाइट्स होती थी और बड़ी सिंपल सिंपल सी वेबसाइट्स होती थी उन सिंपल सिंपल वेबसाइट्स पे नेविगेशन का कोई इजी तरीका नहीं था एंड दैट्स हाउ वर बॉर्न सो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी एक किताब होती है आप किताब को जब पहले खोलते हैं तो उसमें एक टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स होता है जो आपको बताता है कि इस किताब में कौन कौन सा कॉन्टेंट कहाँ पड़ा हुआ है और किस किस पेज पर पड़ा हुआ है इसी तरह वेबसाइट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ अ लॉट ऑफ पेजेस वेबसाइट बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ अ लॉर्ड ऑफ वेब पेजेसाइट ऑल्सो कम्प्राइज ऑफ अट ऑफ पोस्ट अब जैसे जैसे कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम आए एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्लेस पावर्स थर्टी परसेंट ऑफ दर इंटरनेट जैसे जैसे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्टेड टू ग्रो सो कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्रिहेंसिव है तो उनको मैनेज करने के लिए एक तरीका चाहिए था जिससे वो सारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लें दैट्स हाउ एच टी एम एल मेन्यूज़ फ्राम ओल्ड स्कूल वेबसाइट्स वनवर्टेड इन टू ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज दोर्ड ऑफ मेन्यूज दैट यू हैव ऑन वर्ल्ड प्रेस तो क्या हैं आखिर मेन्यूज मेन्यूज आर सिंपल लिंक्स ऑन द टॉप जो आपकी वेबसाइट पे सबसे पहली चीज है जो आप देखेंगे जैसे कि अभी हमें हमने आपको दिखाया कि प्रो पाकिस्तानी टेक जूस बाज इस तरह की तमाम और बेतहाशा वेबसाइट्स बेशक लोकल या इंटरनेशनल ऑल ऑफ देम हैव ऑफ लिंक्स कुड बी पेजेस दीज लिंक्स कुड बी कैटेगरीज दीज लिंक्स कुड बी पोस्ट और दीज लिंक्स कुड बी कस्टम पोस्ट और इनको हम कहते हैं मेन्यूज़ आपकी जो करंट लिस्ट ऑफ मेन्यूज़ है वो आपको अपने डैशबोर्ड में राइट हैंड साइड पे जो मेन्यूज़ का सेक्शन है वहाँ पे नज़र आएगी सो so, जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे वहाँ पे अपीयरेंस के नीचे आपको मेन्यूज़ का सेक्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे यू विल स्टार्ट सीइंग स्मॉल हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स आर योर मेन्यू लिंक्स एंड इधर से ही आप इसको एडिट भी कर सकते हैं बट होल्ड ऑन वी विल टीच यू वी विल गाइड यू ऑन हाउ टू डू दैट इफ देर आर मल्टीपल मेन्यूज ऑन योर वेबसाइट दे विल बी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ दिस मेन्यू पेज और आप अपनी मर्जी से उस मेन्यू को जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेन्यूज़ का पेज है विद इन द वर्ल्ड प्रेस डैशबोर्ड जिसका लिंक अपीयरेंस के नीचे है इट माइट हैव मल्टीपल मेन्यूज़ वो मेन्यू हो सकता है आपके साइड बार पे नज़र आ रहा हो हो सकता है आपके हेडर पे नज़र आ रहा हो हो सकता है आपके फुटर पे, पे नज़र आ रहा हो कोई लिमिटेशन नहीं है और यही क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते भी होते हैं कि क्या मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन है नो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज़ कि मेन्यूज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है सो मेन्यूज़ आर लिमिटलेस बट आपने डिफाइन करना है कि कितने मेन्यूज़ आप अपनी साइट में डालना चाह रहे हैं सो so, एडिट करने के लिए आप क्या करेंगे यू विल सिंपली सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर मेन्यू और आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस मेन्यू को सिलेक्ट करके यू विल क्लिक ऑन एडिट जैसे ही आप एडिट uh, का बटन दबाएंगे तो आपके पास उस मेन्यू से रिलेटेड जो जो लिंक्स हैं अगेन ब्लॉक्स में छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स में वो आपको नजर आएंगे एज यू कैन सी हेयर एज वेल सो ये जो आइटम्स हैं राइट हैंड साइड पे ये आर द आइटम्स विच आर एक्चुअली वट्स शोइंग लाइव ऑन योर वेबसाइट राइट नाउ तो ये आपकी वेबसाइट पे सामने जो है नजर आ रहे हैं तो वहां पे आपके पास एक एरो का बटन भी है एरो का बटन क्लिक करने से आप उस पर्टिकुलर लिंक की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या है वट आर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सो जस्ट गिव यू ऑप्शन इसमें एक ऑप्शन होगी किसकी यू आर एल की वट इज अर एल यू आर एल इज दैट लिंक जिधर आप चाहते हैं कि आपका मेन्यू लिंक लीड करें सो जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिखाई कि डिफरेंट मेन्यूज बने हुए थे और उस डिफरेंट मेन्यूज के ऊपर आप क्लिक करते थे तो वो डिफरेंट जगह रीडायरेक्ट होता था सो द फर्स्ट एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ मेन्यू इज द यू आर एल वो लिंक जहाँ वो जाएगा नेविगेशन लेबल इज के जब वो मेन्यू सामने नजर आए तो उसका लेबल क्या हो उसका नाम क्या हो और ये जरूरी नहीं कि जो पेज का नाम है वही आपके मेन्यू लिंक का भी नाम हो आप नाम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द नेविगेशन लेबल फीचर टाइटल एट्रीब्यूट सो ये टूलटिप होती है जो अगर आप माउस ओवर करते हैं तो आपको थोड़ा सा वहां पर नजर आता है यहां पे आपके पास ये ऑप्शन भी होती है यू कैन ओपन लिंक इन अ न्यू टैब अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो ये लिंक क्लिक करने पे इट विल ओपन अप इन न्यू टैब और साथ ही साथ सी एस एस क्लासेस सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैव Um, जिनको थोड़ा सा आइडिया है सी का कस्केडिंग स्टाइल शीट्स का वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास को असाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी से और डिस्क्रिप्शन अगर आप उस लिंक की देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं ये थीम पे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट थीम अलाउज़ यू टू चेंज डिस्क्रिप्शन और शो इट इन अ पर्टिकुलर वे सो मेन्यूज़ को आप मूव uh, अराउंड कै, कैसे कर सकते हैं इट्स वेरी सिंपल एवरी इन वर्ड इज़ ड्रैगन ड्रॉप आप पकड़ के क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपके पास एक नया आइकन नजर आएगा आपको जिससे आपको पता लग जाएगा कि नाव आई आई हेल्ड दिस पर्टिकुलर लिंक और आप उसको मूव अराउंड कर सकते हैं सो इट्स ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है आप जाते हैं मेन्यू लिंक पे क्लिक करते हैं उसको होल्ड करते हैं उसको मूव अराउंड करते हैं देन यू ड्रॉप एवरी थिंग इन वर्ड पेस रिलेटेड टू मेन्यूज इज ड्रैग एंड ड्रॉप हमने मेन्यूज़ की बात की हमने मेन्यूज़ को एडिट करने की बात की ट्स गो ऑन फेमस वेबसाइट मैंगोबाज डॉट कॉम एंड उधर जाके हम देखते हैं कि उनके मेन्यूज कैसे बिहेव करते हैं सो वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग्स इज दैट यू विल नॉट सी अ मेन्यू एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल ज़रूरी नहीं कि आपको हर वेबसाइट में मेन्यूज नजर आए या अगर मेन्यूज़ होंगे तो वो हिडन होंगे इस केस में इन्होंने मेन्यूज हिडन किए हुए हैं बिहाइंड दिस आइकॉन जिसको मैं क्लिक करूंगा एंड सडनली आपको एक पूरा मेन्यू का जो एरिया है वो अब नज़र आ रहा है जिसमें इट्स अबाउट कंपनी कैटेगरीज और ये सारी चीज़ें सो so, अब मैं ये करता हूँ जब आपको एग्जाम्पल मिल गई कि मेन्यूज़ किस तरह के होंगे लेट्स गो टू आवर वेबसाइट विच इज़ डी जी स्किल साध हामिद डॉट ज़ीरो जीरो ज़ीरो वेब होस्ट ऐप डॉट कॉम एंड उस वेबसाइट पर जाके जब आप मेन्यू सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप मेन्यूज़ को एडिट कर सकते हैं सो so, मैं नए मेन्यूज़ ऐड नहीं करूँगा आई विल जस्ट एडिट अ पर्टिकुलर मेन्यू मैं मेरी वेबसाइट के टॉप मेन्यू को एडिट करना चाह रहा हूँ तो आई एल क्लिक ऑन टॉप मेन्यू एंड आई एल क्लिक ऑन सिलेक्ट और आप देख सकते हैं कि कुछ प्लग भी हो सकता है कुछ मेन्यूज़ ऐड करें सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ एक मेन्यू ऐड हुआ हुआ है और इस मेन्यू को मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ सो so, ये यह आपको यहाँ पे रेड में मेन्यू इसीलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मेन्यू पहले ऐड हुआ हुआ था

रिलेशनशिप है सी एस एस क्लासेस है टाइटल ऑल ऑफ देम देखिये मैं सारे एनेबल कर दूंगा एंड नाउ आई हैव ऑल दीज ऑप्शन इन द मेन्यू सो मैं कोई मेन्यू चेंज नहीं करूंगा बट आपको दिखाने के लिए आई माइट चेंज अराउंड लिटिल बिट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस मेन्यू को सेव करते हैं एंड वेन आई ओपन दिस ऑन अ न्यू वेबसाइट एक नए टैब में तो आप देख सकते हैं मुझे मेन्यू नज़र आ रहा है होम अबाउट डीजी स्किल्स एंड कॉन्टैक्ट इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस गो बैक एंड मैं इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो मुझे नज़र आ रहा है ड्रैग करूंगा और मैं इसको होम के ऊपर ले जाऊँगा सो एवरी थिंग इन द मेन्यू इज़ ड्रैगन ड्रॉप मैं इसको सेव करूँगा और जैसे सेव करूँगा तो आप लाइव देखेंगे सामने कि मेन्यू की लोकेशन चेंज हो जाएगी देखें कॉन्टैक्ट शुरू में आ गया है होम आ गया अबाउट स्किल्स आ गया सो दैट्स हाउ यू कैन चेंज मेन्यूज़ इसके अलावा अगर आप मेन्यू में किसी भी तरह की कोई और एडिटिंग करना चाह रहे हैं कोई टाइटल एट्रीब्यूट देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे यहाँ पर लिखा आ रहा है होम और अगर मैं होम का नेविगेशन लेबल चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ एंड आई कैन कॉल इट वेबसाइट। इसको मैं सेव करूंगा और अब जब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा तो आई विल सी कि इसका नेविगेशन लेवल चेंज हो गया सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे फॉर यू टू एडिट मेन्यूज़ एंड यू नो नैविगेशन मेन्यूज़ को एडिट करने के लिए दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट और हम आपको आगे बताएंगे कि आप कैसे मेन्यूज़ को ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं Keep practicing and keep learning with DG Skills.